अनुजी स्वागत है आपका। नमस्ते, हमको अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। पूछिए। उनके पैर में घुटनों के में बहुत दर्द होता है। एज कितनी है मम्मी की? मम्मी की एज है 38। ठीक। अच्छा बेटा देखो, ऐसे ही अपनी मम्मी का ख्याल रखा करो, और मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितनी तकलीफ होगी, और अगर आप भी इस उम्र में उनका इतना ख्याल करते हो तो वो ज़रूर अच्छी हो सकती है। देखिए, एक तो उनको झाड़ू पोछा मत करने दें, ये आप पर जिम्मेदारी देता हूँ, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए चाहिए घर में। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, तो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट जिनके भी घुटनों में कमर में दर्द हो उनके घर में होना चाहिए, नहीं तो दवाएं बहुत देर से काम करती हैं, बहुत देर से फ़ायदा होगा तो आप शिकायत भी कर सकते हो। और बच्चा देखो, एक चीज़ है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, गोंद मतलब गम, काला गोंद भी कहते हैं हम लोग, गोंद स्याह कहते हैं, स्याह काले को ही कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें बस, आपकी मम्मी के लिए रॉ मटेरियल है, ये कच्ची दवा है, अगर असली मिल जाएगा तो उनको फ़ायदा मुमकिन है, नकली बेहिसाब मिलता है, ये 15-16 रुपए का एक ग्राम आता है, 15-16 रुपए का एक ग्राम आता है, ये एक दिन का खर्च है। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद खाना है, ठीक है, आधा आधा ग्राम खाना है, और खाना में ज़रा मुश्किल है, कड़वा बहुत होता है और चिपकता है मुंह में, तो उसके लिए या तो ज़रा सी मलाई में मिला दें आधा ग्राम, और जल्दी से खा के पानी या दूध पी लें खाने के बाद, या देसी घी में मिला दें, एक चम्मच देसी घी में मिला दें, और या शहद में मिला लें, किसी भी तरह आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद पेट में जाना शर्त है। अगर ये असली जिसको भी मिल गया उसको निरोगी करने की ताकत रखता है ये रॉ मटेरियल जी।